पद के भूखे हैं, जिस दिन पद से हट जाएंगे उस दिन आज अपने आप को मरा समान घोषित कर लेंगे, क्योंकि ये सब इनको पद चाहिए उसके लिए हजार छात्रों की बलि चढ़ जाए इन पर कोई आहत नहीं आने वाला, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एक मास नंगे पांव चल रहा हूं, पैर में गिट्टियां चुभ रही हैं। आखिर बताओ मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यही जो 48 दिन धरने बैठा हूं, मेरा सिर्फ यही कसूर है कि 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में 82 दिन से हमारा संचालन छात्र साथ हूं। मेरा कसूर बताइए, कोई एक प्रोफेसर कह दे कि किसी प्रोफेसर को मैं अपशब्द कहा हूं, कोई एक कर्मचारी बता दे, कोई आप उस लायक है, आप प्रोफेसर हैं, आप उस लायक हैं, ठीक है, तभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज तक ऐसा कोई शब्द नहीं निकला होगा जिससे आपको हाथ फिला लिया कि आपको कुछ भी बोल दिया जाए आप सब सह लेंगे, क्योंकि आप पद के भूखे ना कि ये प्रोफेसर की गरिमा भूखे नहीं है, आप मात्र पद के भूखे हैं। सर एडमिशन का मामला है सर, आप एडमिशन रोक बता रहे हो, छात्र नहीं है, नहीं नहीं हमारे कहने नहीं, गरिमा कितनी है छात्रों में, नहीं नहीं हम नेता हैं कि नहीं है वो आप लोग तो वैसे भी जब लाल पदमधर को उनके सहायता दिवस पर मल्यार्पण करने आप लोग नहीं जाते, एक शहीद को भी आप लोग सम्मान नहीं दे सकते तो छात्रों को क्या सम्मान देंगे आप लोग क्या सम्मान देंगे छात्रों को, और एक भी छात्र आप लोग से उम्मीद नहीं करता कि आप लोग छात्रों का सम्मान करेंगे, लाल पदमधर को तो आप लोग सम्मान करते नहीं, शहादत दिवस पर एक माला फूल चढ़ाने में आप लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, किसान में आती वहाँ कैसे जाए माला चढ़ाने, जो देश स्वतंत्रता सेनानी में अपने आप को आजाद कर लिया शहीद कर लिया उसको आप लोग मल्यार्पण नहीं करते तो आम छात्रों को क्या सम्मान देंगे, आप क्या सम्मान देंगे बताइए, 84 दिन से छात्र बैठे हैं, आप सबकी मानसिकता इतनी घृणित हो चुकी है, आप लोग को जमीर मर चुका है कि कम से कम इनको आके वार्ता करें, कुलपति हैं प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल हुआ ना, 3 साल नहीं बीत पाएगा, जाकर बता दीजिए 3 साल कार्यकाल बीत नहीं पाएगा, हाँ नियुक्ति की पर्पस से आई हैं, नियुक्ति कर रही हैं और जुडिशरी साथ दे रहा है कि नियुक्ति कर ले जा रही है, ठीक बता दीजिएगा, और उनको पता भी जुडिशरी साथ दे रहा है इसलिए नियुक्ति कर ले जा रही है, और नहीं तो विश्वविद्यालय में का 10 दिन न रहना होता है, ठीक है ये छात्र विश्वविद्यालय का है, विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय कैसे चलना है, आप लोग नौकर हैं विश्वविद्यालय, ठीक है हाँ ये है कि शिक्षक के नाम पे आप लोग को मान सम्मान दिया जाता है कि शिक्षक है, हो सकता है कि जो नए छात्र हैं उनको इतनी सारी बातें नहीं पता, कैसे चलाना है आपको भी पता है, अब ये सोचिए कि 250 प्रोफेसर विश्वविद्यालय चलाएंगे ये कतई संभव नहीं, विश्वविद्यालय 36,000 छात्र हैं, और अभी ये सब की जमीर जिंदा नहीं, जिस दिन जमीर जिंदा हो जाएगी शायद ये कि आपको गेट में घुसन